श्रद्धेय दंत पंत ठेंग दी इनकी पुण्यतिथि समरसता दिवस के अवसर पर भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ वर्धा वैली चंद्रपुर बल्लारपुर द्वारा भव्य रक्तदान शिविर संपन्न हुआ। भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक श्रद्धेय दत्तोपंत हिंगड़े इनकी पुण्यतिथि 14 अक्टूबर समरसता दिवस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ वर्धा वैली चंद्रपुर बल्लारपुर द्वारा सोमवार को संगठन के केंद्रीय कार्यालय विश्वकर्मा सदन महाकाली कॉलरी चंद्रपुर में रक्तदान शिविर सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में इस दौरान पीवी पाटिल कार्याध्यक्ष भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ वर्धा वैली चंद्रपुर बल्लारपुर इन्हें मंच पर आमंत्रित किया गया। उद्घाटन हेतु अशोक भुताड़ कार्याध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ विदर्भ प्रदेश को आमंत्रित किया गया। प्रमुख अतिथि के रूप में रामाराव महाप्रबंधक रमेश पल्लेपार अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ विदर्भ प्रदेश नागपुर, एडवोकेट शैलेश मुंजे अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ जिला चंद्रपुर, अनिल बंडीवार उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ विदर्भ प्रदेश नागपुर, रमेश मुन पर्यावरण मंच प्रमुख भारतीय मजदूर संघ विदर्भ प्रदेश नागपुर तथा ज्योति चंद्राकड़े मुख्य चिकित्सा अधिकारी क्षेत्रीय अस्पताल लालपेट उपस्थित थे। संगठन गीत के पश्चात श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़े भारत माता तथा भगवान विश्वकर्मा इनके फोटो पर माल्यार्पण के पश्चात मंच पर उपस्थित अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। संगठन पदाधिकारियों द्वारा अतिथियों का स्वागत कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम की प्रस्तावना दिलीप सातपुते संयुक्त महामंत्री द्वारा की गई। अतिथियों ने इस दौरान अपने अपने विचार रखते हुए उद्बोधन किया। रक्तदान शिविर में रक्त संग्रहित कर 107 डोनेट जिला सामान्य अस्पताल चंद्रपुर को इसे संग्रह दिया गया। इसे संग्रहित करने हेतु जिला अस्पताल की टीम संपूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित होकर 107 बॉटल रक्त संग्रहित किया गया। रक्तदाताओं को रक्तदान के पश्चात चाय नाश्ता तथा संपूर्ण शाकाहारी भोजन की व्यवस्था संगठन द्वारा की गई। रक्तदाताओं को रक्तदान के पश्चात संगठन तथा जिला सामान्य अस्पताल द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रक्तदान का कार्यक्रम चलता रहा। काफी उत्साह तथा स्वैच्छिक रक्तदान करने हेतु भारी मात्रा में प्रतिसाद मिला। इस कार्यक्रम की सफलता हेतु इकाई उपक्षेत्र तथा क्षेत्र के पदाधिकारी सदस्य तथा अप्रत्यक्ष रूप से सभी का काफी सहयोग प्राप्त होने से कार्यक्रम 100% सफल रहा।